नमस्ते। आज का ये वीडियो इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड टू द लेट ग्रेट तबला मैस्ट्रो पंडित शुभंकर बैनर्जी जी। पंडित शुभंकर बैनर्जी का तबला प्लेइंग वॉज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक अमेजिंग सुपर फाइन तबला प्लेयर ही वॉज। एंड उनके जैसा तबला प्लेयर बहुत कम देखने मिलता है। आज का ये वीडियो उनका ही एक कॉम्पोजिशन है जो उन्होंने अपने एक कॉन्सर्ट में बजाया था। उस कॉम्पोजिशन का नाम है परम। ये ट्यूटोरियल वीडियो पंडित शुभंकर बैनर्जी जी को डेडिकेटेड है एंड दिस इज माय ट्रिब्यूट टू द ग्रेट तबला मास्टर पंडित शुभंकर बैनर्जी। दिस इज अ तीन ताल का परन जो धीरे धीरे से शुरू होता है। बहुत ही सुंदर ये परन है और इसकी एक खास बात इसका एंडिंग है। इस परन का जो एंडिंग है वो थोड़ा फास्टर पेस का होता है, बेदमदार अंदाज का ये एंडिंग है। तो इसकी जो ब्रेकअप है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वो इस तरह से है। इस पूरे परन को हम लोग दो पार्ट्स में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। द स्टार्टिंग इज द बॉडी पार्ट एंड द एंड पार्ट इज द तिहाई पार्ट। स्टार्टिंग बॉडी पार्ट में तीन लाइंस रहेंगे। पहला लाइन दो मात्रे का, दूसरा लाइन चार मात्रे का एंड तीसरा लाइन चार मात्रे का। और इसी तरीके से आपको इसको लिखना भी है। पहला लाइन में आप जब लिखेंगे दो मात्रे का होगा, दूसरा लाइन चार मात्रे का रहेगा एंड तीसरा लाइन चार मात्रे का रहेगा। एंड आफ्टर दैट तिहाई पार्ट जो है बेदमदार है वो है आठ मात्रे का एक पीस जो तीन बार रिपीट होता है, बट बेदमदार है इसीलिए वो 8 × 3 = 24 होता है, बट ये बेदमदार होने के चलते 23 मात्रा का होगा क्योंकि बेदमदार में एक मात्रा कम हो जाता है। स्टार्टिंग होता है धीरे धीरे कत, इस बोल से शुरू होता है। ये कॉम्पोजिशन पंडित शुभंकर बैनर्जी जी ने अपने एक कॉन्सर्ट में उन्होंने बजाया था। बहुत ही सुंदर उनके हाथ से ये सुनने में लगता है। उसी का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। धीरे धीरे कत, जब आप धीरे धीरे कत बजाएं थ्री फिंगर्स एक साथ जुड़ा होना चाहिए। ये चौगुन स्पीड का हुआ बजेगा, पर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको आपको स्लो स्पीड में बता रहा हूं। धैर्य का दो मात्रा में होता है। उसके बाद आता है चार मात्रे का सेकंड लाइन, धागे ना धागे ना तेटे। ये चार मात्रा धैर्य का दो मात्रा, उसके बाद धागे ना धागे ना तेटे। ये दो लाइन मिला के छह मात्रा होता है। तो यहां पे धागे ना, इसके बाद जो तेटे है वो उल्टा तेटे बजना चाहिए, सीधा तेटे नहीं बजाइएगा। धागे ना तेटे विल बी उल्टा, बिकॉज जब आप उल्टा तेटे से फिनिश करते हैं इंडेक्स फिंगर इज रेडी फॉर प्लेइंग अगेन धागे ना तेटे। तो धागे ना तेटे। धागे ना धागे ना तेटे। छह मात्रा होता है। उसके बाद आता है द नेक्स्ट थर्ड लाइन, तीसरा लाइन धातुन्ना किटे तक। यहां पे तुन में थोड़ा स्ट्रेच है, इट इज नॉट धातुन्ना किटे तक। देखिएगा यहां पे धातुन, तुन इज स्ट्रेच्ड, धातुन्ना किटे तक, इट इज नॉट एज धातुन्ना किटे तक। सो आपको धातुन्ना किटे तक दो मात्रा में आएगा। एंड उसके बाद जो बोल है तेरे किटे तक था, वो उसी का डबल स्पीड में बजेगा। धतुन ना के तक तरगड़ तक था, चार मात्रा में होगा ये तीसरा लाइन। छह मात्रा हो चुका था पहले दो लाइन में, उसके बाद धतुन ना के तक दो मात्रा, तरगड़ तक था दो मात्रा, मिला के चार मात्रा होता है।
जब आप तिरगिड़तक बजाएंगे, थ्री फिंगर से शुरू करना है. इट इज नॉट टू बी स्टार्टेड विद टू फिंगर्स. ऐसे नहीं बजाना है, आपको बजाना है थ्री फिंगर्स से. एंड तिरगिड़तकता इज धा तिरगिड़तक जो होता है बोल, धा तिरगिड़तक, उसमें से धा आप हटा दीजिए, बोल बचता है तिरगिड़तक. यहां पे तिरगिड़तक तिरगिड़तकता जब आप बजाएंगे, याद रखिएगा थ्री फिंगर्स जो तिरगिड़े आप बजा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर देना है, बिकॉज उसको फ्लैट नहीं बजाना है, अच्छा नहीं लगेगा. तिरगिड़तक में आपको प्रेशर देना है. Everything is on the स्याही, और तिरगिड़तकता बजाते समय आपको स्याही के मिड तक मैक्सिमम लेवल आपका फिंगर्स जाना चाहिए. दैट इज मिड ऑफ द स्याही, सेंटर ऑफ द स्याही तक ही आपका हाथ पहुंचना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो शुरू से लेकर यहां तक धृधरकत धृधरकत, धागे ना तेटे, धागे ना तेटे, धतुन ना केटे तक तिरगिड़तक तिरगिड़तकता. तो तिरगिड़तक तिरगिड़तकता फास्टर होगा. ये सिर्फ स्लो में बजाया, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फास्ट में बजेगा, तिरगिड़तक तिरगिड़तकता में प्रेशर देके. इसके बाद आता है द लास्ट तिहाई पार्ट. तिहाई पार्ट जैसे मैंने बताया था शुरू में ही, इट्स ए बेदमदार तिहाई. तो जैसे ही आप आठ मात्रे का पीस तिहाई का है बजाते हैं, बिना रुके उसको फिर से रिपीट करना है दोबारा, एंड फिर बिना रुके थर्ड टाइम रिपीट करना है. तो 8 × 3 - 1 - 1 मात्रा, बिकॉज ये बेदमदार तिहाई है. सो बोल यहां पे है घेना नाना तुन्ना केना धा क्रान धा. चार मात्रे का है ये. आठ मात्रा का जो तिहाई का पीस है एक लाइन, उसको हम दो सेक्शंस में अंडरस्टैंड करेंगे. चार मात्रे का एंड चार मात्रे का मिला के आठ मात्रा होगा. सो पहला चार मात्रा स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द तिहाई लाइन इज घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा. इट शुड नॉट बी धा क्रान धा, एक साथ नहीं बजाना है. घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा. ये धा क्रान धा वाला पार्ट थोड़ा सा बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि धा में अगर आप पॉज नहीं देंगे या स्ट्रेच नहीं करेंगे, धा क्रान धा नहीं करेंगे, अगर उसको अगर आप धा क्रान धा बजाएंगे तो वो आठ मात्रे का नहीं बनेगा, वो साढ़े सात मात्रा हो जाएगा. सो काउंटिंग में देखिए घेना नाना तुन्ना कीना धा क्रान धा. अगर हम सिर्फ स्लो में देखते हैं, धा में हम स्ट्रेच कर रहे हैं, घेना नाना तुन्ना कीना धा क्रान धा. और इसी को हम चार मात्रा में देखेंगे, घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा. तो हर बार हम धा में हमें स्ट्रेच करना ही करना है. तो घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा. उसके बाद नाधिक धा नाधिक धा नाधिक धा धा. यहाँ पे नाधिक धा बनारस घराने में जैसे हम लोग धिक का प्रयोग करते हैं, धिक धिना तक धिना, वैसे ही नाधिक धा नाधिक धा यहाँ पे होगा. घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा. यहाँ पे धिक जो है मैदान में और किनार के हिसाब से बजेगा, किनार और मैदान में बजेगा. किनार में सिर्फ नहीं बजेगा, इसका मेन एरिया होगा मैदान में. सो ना धीग धा. सो ना किनार में, धी मैदान में, फिर धा किनार में. सो ना धीग धा ना धीग धा ना धीग धा धा. तीन बार बजेगा ना धीग धा, उसके बाद आएगा धा. सो ये है कंप्लीट तिहाई का एक लाइन जो आपको तीन बार बजाना है बिना रुके. घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा नाधिग धा नाधिग धा नाधिग धा धा. आठ मात्रा घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा नाधिग धा नाधिग धा नाधिग धा धा. घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा नाधिग धा नाधिग धा नाधिग धा धा. घेना नाना तुन्ना किन्ना धा क्रान धा नाधिग धा नाधिग धा नाधिग धा धा. 23 मात्रा होता है, 16 + 4 = 20 + 3 = 23.
नाधिग्ध 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 के बाद आपको धा बजाना ही बजाना है, बिकॉज वो एंडिंग वाला नोट धा से होता है. गिना ना ना तुन्ना की ना धा क्रां धा नाधिक धा नाधिक धा नाधिक धा धा. सो थर्ड वाला नाधिक धा के बाद आएगा और एक धा. सो नाधिक धा नाधिक धा नाधिक धा धा. ये आपको ध्यान रखना है. लिखते समय जब आप लिखते हैं तिहाई को भी आप दो लाइन में लिखेगा. पहला लाइन चार मात्रे का होगा तिहाई का और दूसरा लाइन अनदर चार मात्रे का होगा. सो पहला लाइन में आप लिखेंगे घिना ना ना तुन्ना की ना धा क्रां धा. उसके नीचे का फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ चार मात्रा होगा नाधिक धा नाधिक धा नाधिक धा धा एंड इनटू थ्री टाइम्स वेदमदार. अब इसको हम लोग नगमे के साथ एक बार बजाते हैं. बेहतरीन परन पंडित शुभंकर बैनर्जी जी का तीन ताल में. उम्मीद करता हूं आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा एंड इस परन को आप बहुत अच्छे से बजा पाएंगे. दिस इज माय सिंसियरेस्ट ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मास्टर पंडित शुभंकर बैनर्जी जी. जिनको मुझसे सीखना है एट 50% डिस्काउंटेड फीज यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप. मेरा नंबर दिया हुआ है ऊपर एंड यू कैन स्टार्ट योर तबला लर्निंग एट 50% डिस्काउंटेड फीस. जिस फीस से आप शुरू करते हैं वही फीस आगे भी रहता है. फीस बढ़ाता नहीं हूं मैं. टिल द टाइम यू आर लर्निंग द फीस इज ऑलवेज सेम. फर्दर हायर लेवल तबला लेसन्स के लिए यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप तबला तालीम एंड यू कैन लर्न अमेजिंग fantastic tabla lessons of Ustad Zakir Hussain ji. Also subscribe to this channel and press the bell icon, like kijiye and this video ko aap share bhi kijiye so that more and more tabla learners get benefited. Thank you so much. Entirely my pleasure to interact with you through my tabla tutorials.